फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज वीडियोस पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं बट सब्सक्राइबर्स बहुत कम होते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और दूसरा कि आज की जो मेरी वीडियो है ये सारी है पेंटिंग के बारे में। एक्चुअली पिछले दिनों मैं एक पेंटिंग बना रही थी 6 सितंबर और ये कॉम्पिटिशन के लिए बना रही थी, तो PIFT जिसमें मेरी यूनिवर्सिटी ही करवा रही थी, तो उसके लिए मैंने पेंटिंग बनाई थी 6 सितंबर। सो इन माय पेंटिंग व्हाट आई डिड के मुझे टिपिकल सी अप्रोच नहीं चाहिए थी, मुझे कुछ बिल्कुल अलग चाहिए था, कोई न्यू आइडियाज चाहिए थे उसके लिए। तो मैंने कैसे लिए और क्या किया और मेरा आइडिया बेसिकली क्या था वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम विजिट करेंगे एक आर्ट गैलरी, ठीक है, जो कि अल्हम्रा कल्चर कॉम्प्लेक्स में है। तो चलो पहले वो देख लेते हैं कि आर्ट गैलरी में क्या क्या है और वो किस तरह की आर्ट गैलरी है और किस तरह की पेंटिंग्स है वहाँ पर, ये सब देख लेते हैं। आप लोगों ने आर्ट गैलरी अब देख ली, तो अब हम डिस्कस करते हैं मेरी पेंटिंग। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो मैंने पेंटिंग बनाई थी बेसिकली वो टॉपिक था उसका 6 सितंबर। 6 सितंबर को जो भी हुआ मैंने उस पर सारा रिसर्च किया, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर पाकिस्तानीज। तो मैंने उस पर डिटेल में सर्च किया और उसमें एक मुझे मोमेंट मिला कि जब MM आलम जो हमारे एयरफोर्स में थे, उन्होंने विद इन लेस देन वन मिनट उन्होंने क्या किया था कि इंडिया के 5 जो थे एयरप्लेन्स थे उनको क्रैश कर दिया था। तो उसको मैं अपनी पेंटिंग में कवर करना चाह रही थी। तो मैंने क्या किया कि वही डिफरेंट टिपिकल अप्रोच, मैंने जो टिपिकल एक अप्रोच थी कि वही एयरप्लेन्स बना दो भरे भरे, मैंने वो नहीं बनाया। उसकी जगह मैंने जो इंडियन आर्मी के जो प्लेन्स थे उनको पेपर प्लेन बना दिया बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे पेपर प्लेन्स इसलिए बनाया बिकॉज मैं शो करना चाह रही थी कि हमारी आर्मी के लिए या हमारी एयरफोर्स के लिए उनके जो प्लेन्स थे वो बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे एक पेपर प्लेन होता है, बिल्कुल हल्का सा। तभी तो उन्होंने विद इन लेस देन वन मिनट उनके 5 प्लेन्स क्रैश कर दिए। तो मैंने उसको बनाया, धुएं में से निकलता हुआ कुछ ज़्यादा सारा धुआं बनाया, उसमें जलते हुए वो 5 प्लेन्स पेपर प्लेन्स बनाए और एक स्टॉपवॉच बनाई जिसपे वो टाइम शो हो रहा था कि कितने सेकंड्स में कितने मिनट्स में उन्होंने काम किया ये। और सबसे ऊपर मैंने वो बनाया था पाक आर्मी का वो प्लेन बनाया था, उसमें मैं काफ़ी डिटेल्स ऐड नहीं कर पाई बिकॉज ओनली मेरे पास 2 डेज थे, उसमें मैं क्या क्या कर सकती थी। तो मैंने जैसा भी हुआ ठीक है, बट देखते हैं मैंने क्या मेरी जर्नी क्या थी और इन 2 दिन में मैंने क्या क्या किया वो भी देखते हैं। थैंक यू।
मैंने क्या क्या ड्रॉ किया और मैं पिछले 2-3 दिन में क्या क्या किया। तो अब था कि मैंने अपनी पेंटिंग सबमिट करवानी थी यूनिवर्सिटी में, वो मैंने करवाई और फिर मुझे बहुत टेंशन थी कि यार क्या बने, उनके नेक्स्ट डे रिजल्ट्स थे। सो मैं बहुत टेंशन में थी कि यार मुझे क्या प्राइज़ मिलेगा या मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्या होगा। सो जब मैं सेकेंड डे उधर गई फॉर रिजल्ट, सो मुझे सेकेंड अवार्ड मिला, सेकेंड पोजिशन पर थी मैं। सो सर्टिफिकेट दिया, जो भी कैश प्राइजेस थे वो मिले सबको। फिर उसके बाद आई वॉज सो हैप्पी यार कि मुझे सेकेंड अवार्ड मिला है। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा गेट टुगेदर किया, हम लोग बाहर गए एम्पोरियम में घूमे। सो हेलो गाइस, तो आज मेरी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है पेंटिंग की और आई एम रेडी। तो अब मैं उधर जा रही हूँ अपनी यूनिवर्सिटी और देखने क्या होता है, लेट्स गो। क्योंकि व्यूज़ वीडियो पे बहुत ज़्यादा होते हैं बट वो ही सब्सक्राइबर्स बहुत कम होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।